हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने लोअर बैली फैट के लिए सिंपल सा बस 5 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जिसे आपको एक ही जगह करना है। कुछ देर के लिए आपको होल्ड करना है और इस तरीके से आपको कुछ देर आप वहां पे रुकते हो ना, तो इससे आपका जो पेट का चर्बी है, जो आपके जांघों के पास फैट आ जाता है, जो आपके कमर के पास आ जाता है, ये सब बहुत जल्दी कम होगा। तो चलिए हम लोग इस सिंपल एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे लोअर बैली फैट को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। उसमें अपने पैरों का आपको थोड़ा सा इतना फैला लेना है, दोनों हाथों को आपस में इस तरह जोड़ना और पैरों को इस तरीके से करके बैठ जाना है। हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर और कानों के पास लगा लेना है और इस तरह आपको आके यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रुकना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 सेकंड आपको बस होल्ड करना है, थोड़ा देर के लिए रुकना है, फिर आप सीधा हो सकते हैं। तो फिर आप आए और फिर 10 सेकंड होल्ड करें, तो इस तरह कम से कम आप 30 सेकंड के लिए यहाँ पे रुके, फिर सीधा। और शुरू में हो सके तो मेरे साथ साथ करें और सिर्फ 10th बार ही आप यहाँ पे रुके, होल्ड करें, क्योंकि शुरू में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से आपको करना है। फिर जब इसी में क्या करना है, जैसे इस तरीके से आए और इस तरह साइड में घुस झुक के फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद फिर रिलैक्स। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपके पेट पे, कमर पे, आपके जांघों के पास इसका कितना अच्छा असर हो रहा है। तो फिर से ऊपर आ गए, जैसे पहले बार में सीधा, फिर दूसरे बार में साइड में, अब तीसरे बार में इस साइड घूमना है आपको। तो फिर क्या करना है, जैसे हाथ जोड़े हुए हैं, इधर आए, फिर इस साइड, फिर यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर रिलैक्स। उसमें आपको क्या करना है, जैसे एक पैर इधर, एक पैर को इधर से पीछे से मोड़ लेंगे, पैर एक हमारा इस तरीके से रहेगा घुटने के पास, आप देख लीजिए। दोनों हाथों को यहाँ पे अपने सिर के पास लगा लेना है, सांसें भरना है और इस तरीके से आपको घूमना है और इतना घूमना है कि आपके पैर के तलवा आपको अपनी नजरों से दिखे। तो इस साइड घूम के आपको यहाँ पे होल्ड करना है और गिनना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस आपको 10 बार रुकना है, फिर सीधा। फिर इसी तरीके से आपको घूमना है, यहाँ पे होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से आपको 3 बार करना है, 10-10 का 3 सेट और 30 बार करना है। तो आप 10-10 गिन के इस तरीके से रुके, फिर यहाँ पे आए, फिर रिलैक्स हो, फिर दूसरे पैर से भी उसी तरीके से करना। अब ये पैर करेंगे, ये पैर हमारा इस तरह उठ गया, दूसरा पैर हमारा पीछे, हाथों को इस तरीके से पीछे की ओर देखना है अपने पैर की तरफ और यहाँ पे होल्ड करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेकंड रुके, फिर सीधा। फिर से 10 सेकंड रुके, पीछे घूमे, फिर 10 सेकंड रुके, फिर आपको सीधा आ जाना है। फिर इस तरीके से कम आपको 30 सेकंड के लिए रुकना है, होल्ड करना है, फिर आराम से। उसमें आपको क्या करना है, पैरों को इस तरीके से जैसे कर लिए, इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा करके पैरों को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से, और अपने नजरों से अपने पैर के अंगूठों को देखना है, फिर हाथों को धीरे धीरे सीधा कर देना है, पैरों को भी सीधा, और यहाँ के आपको 30 सेकंड के लिए रुकना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह शुरू में 10th बार करें, फिर 10th बार करें, जैसे 10th बार किए, रिलैक्स हुए, फिर 10 सेकंड के लिए रुके, फिर रिलैक्स हुए, फिर जाके आपको इस तरीके से करना है, फिर 10 सेकंड करें, फिर रुके। तो इस तरह आपको कम से कम 30 बार करना है और बिल्कुल आराम से सिर्फ रुकना है और आपके जो चर्बी जहाँ जमी है उस पर इसका इतना अच्छा असर होगा, वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको इस तरह से सीधा लेट जाना है, दोनों हाथों को इस तरह से कमर के पास लगा लेना है, पैरों को जैसे इस तरीके से सीधा कर दिए, फिर दोनों पैर को एक साथ उठाना है और पैर की जो उंगलियाँ होती है वो आपके नजरों से दिखना चाहिए और यहाँ के आपको 30 सेकंड के लिए रुकना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह आप 10 सेकंड रुके, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड, तो 30 सेकंड कोशिश करें यहाँ रुकने का, फिर आराम से रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, पैरों को जैसे इस तरीके से किए, यहाँ भी दोनों हाथों को इस तरीके से पैरों के पास रख लें, फिर कमर को ऊपर की ओर करके 30 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेकंड रुके, फिर 10 करके 3 बार, 30 बार आप गिन लें, 30 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर आराम से। एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को जैसे एक पैर को इस तरीके से
उठा लिए, दूसरे पैर को भी इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लेना है पहले इस तरह से, फिर अपने सिर को थोड़ा सा इस तरह उठा के अपने पैर की उंगलियों को छूने का कोशिश करो। यहाँ पे आपको थोड़ा देर के लिए रुकना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड रुके, फिर रिलैक्स नीचे आए, फिर 10 सेकंड रुके। तो इस तरीके से करके कम से कम आप 30 सेकंड रुकने का कोशिश करें बिल्कुल इस तरह से, फिर आराम से रिलैक्स हो जाए। बस आपको थोड़ा देर के लिए होल्ड करना है और आप उसका असर अपने पेट पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सिंपल सी सिर्फ 5 एक्सरसाइज लेकर आई थी, जिसमें आपको कुछ देर के लिए बस होल्ड करना है। बस आप उस जगह पे कुछ देर के लिए रुकोगे ना, तो जो आपकी चर्बी जहां भी जमी है ना, उस चीज पे बहुत ज्यादा असर होता है, खिंचाव पड़ता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन आपको अपना डाइट भी अच्छा रखना होगा, मीठा और मैदे से बनी चीजों को बिल्कुल छोड़ना होगा, तो आप फिर देखोगे कि कुछ ही दिनों में जो आपका लोअर बेली फैट है वो बहुत जल्दी कम होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।